अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अस्लान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई हुई है, बाकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी मेरी। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम और फिर उसको है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आर रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे बात की जा रही है कि एक ट्रेन है, एक रेलवे ट्रेन है, वो सर्कुलर पाथ में जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रही है। अगर मैं आपके सामने एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है, सर्कल बाजू का सही ड्रॉ नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस, जिसका सेंटर लेट्स सपोज ये है, उसका रेडियस हमारे पास है 500 मीटर। अंडरस्टैंड? आपको एक रेलवे ट्रेन है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रही है, मूव कर रही है, जिस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो है 500 मीटर। अब वो जो ट्रेन है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है सर्कुलर में, यानी सर्कल पाथ में। तो आपको ये पता होना चाहिए थ्रू व्हाट एंगल विल इट रन इन 10 सेकेंड। तो आपने क्या करना है, यहां 10 सेकेंड पे जब वो टर्न होगी तो उस पर बताएं एंगल कौन सा बनेगा। अब देखें, जबकि हमें स्पीड उसने बताई हुई है 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हमें उसने किलोमीटर पर आवर में बताई गई है, लेकिन जरा गौर करें जब वो टर्न होती है 10 सेकेंड, अब किलोमीटर पर आवर कहां, सेकेंड कहां, तो सबसे पहले उस स्पीड को आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के लिए आपको स्पीड, आपको क्या दी हुई है ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको क्या करेंगे, 30 किलोमीटर को आप सेकंड में, मीटर में शिफ्ट करेंगे और फिर सेकंड में शिफ्ट करेंगे। तो आपको सिंपल एक 30 किलोमीटर को अगर आपने मीटर में शिफ्ट करना है तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किलोमीटर में, कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, देन आप डिवाइड करेंगे उसको और एक जो है वो आपको सेकेंड में, एक घंटे में 3600 सेकेंड्स आपको जो है वो मिलते हैं एक घंटे के अंदर। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ये दो जीरो इस दो जीरो से कैंसिल हो गए, उसके बाद जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया जी मीटर पर सेकेंड में शिफ्ट हो रहा है। अब देखें 3300 डिवाइडेड बाय 36, जब आप इसकी कटिंग करते हैं ये मीटर पर सेकेंड आ रहा है। देखें इस बात को आपको मेक श्योर करना है कि जब आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर में आपकी स्पीड है, लेकिन वो बात आपसे ये कह रहा है कि 10 सेकंड पे जब टर्न कर रही है ट्रेन तो उस पर एंगल कौन सा बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस स्पीड को मीटर पर सेकंड में शिफ्ट करें, 1000 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक किलोमीटर के अंदर जो है हमारे पास, एक किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर रिक्वायर्ड हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो एक घंटे के अंदर आपको एक और के अंदर 3600 सेकंड्स भी होते हैं। तो आपने क्या किया जनाब, आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 पे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि पर आवर है, यानी एक घंटे में। तो एक घंटे डिवाइड आप करेंगे सो आप कटिंग कर लेंगे इसकी, 2 पे कटिंग कर लें जी, 218000 आ गया जी, उसके बाद 215005 वैसे आ गया, फिर 29000 आ गया जी, 27000 और 1 कैरी आ गया 25000। देन उसके बाद अगर आप देखें तो ये फिर भी जो है वो 3 पे कटिंग हो रही है, 75/9 मीटर पर सेकंड अगर देखा जाए तो फिर 3 पे कटिंग हो रही है, 3 3 9, 3 1 3 2 6, 1 आगे कैरी गया तो 3 5 15। तो ये हमारे पास बन रहा है 25/3 मीटर पर सेकंड, अगर आप इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में शिफ्ट करते हैं तो, ठीक है। तो आपकी स्पीड निकल आई मीटर पर सेकंड में, लेकिन वो टर्न कर रहा है 10 सेकंड पे, तो आपकी टोटल जो लेंथ आपके सामने आएगी, मैं यहां पर गिवन डाटा लिखता हूं साइड पे, यहीं पे आप साइड पे कर लेते हैं,
कि आपको लेंथ जो बता रहा है कि वो लेंथ आपकी जो मेजर की जा रही है कि सर्कुलर ट्रैक में ट्रेन मूव कर रही है तो टर्न 10 सेकंड में टर्न कर रही है, ये सारी स्पीड हमने फाइंड की है, लेंथ मालूम की है, तो आपने 25/3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, सो बनेगा 250/3, आपके पास टोटल लेंथ जो है वो मीटर पर सेकंड पे आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी टोटल लेंथ होगी कि जिस पे 10 सेकंड पे वो टर्न कर रही है, ये लेंथ आ गई। रेडियस भी हमें गिवन है जी, रेडियस हमें दिया हुआ 500 मीटर का आपको रेडियस गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है जी थीटा, थीटा आपने फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ठीक है। इसको भी आप मजीद जो है आगे कर लें ऐसे, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। आपने फाइंड करना है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ठीक है जी। आपने जी फाइंड आउट करना है थीटा, एल की वैल्यू हमारे पास है 250/3 ओवर में आगे जी 500, ठीक हो गया। अब ये 3 जो है वो नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, 250/500 मल्टीप्लाई बाय 3, सो हमारे पास बना 250/500 को 3 से मल्टीप्लाई करें 1500, ठीक है। तो अब आपकी कटिंग होगी, ये से कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 5 5 30 150 5 1 5 5 6 30, तो 1/6, ये हमारे पास अगर आप इसकी पॉइंट में अगर आप इसको निकालना चाहें 1/6, योर आंसर इज, अगर आप इसको पॉइंट में नहीं शिफ्ट करना चाहते, अगर आप इसको ऐसे ही शिफ्ट कर देते हैं तो 1/6 इज रिक्वायर्ड आंसर रेडियन, ठीक है। तो आपने इस तरह से जो है एक स्पीड से आपने उसकी मीटर पर सेकंड से आगे फाइंड आउट करके थीटा एंगल आपने फाइंड कर देना है 1/6 रेडियन। अगर आप पॉइंट में निकालें तो 0.166 के अकॉर्डिंग जो है वो आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं और उसको आप समझते हैं जी स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चन नंबर 10 है उसको रीड आउट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जितना लंबा ये क्वेश्चन है उतना छोटा इसका सोल्यूशन है। अ हॉर्स इज टेथर्ड टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल विद पेग एज सेंटर। इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कीपिंग द रोप टाइट, हाउ फार विल इट हैव गोन व्हेन द रोप हैज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। अब देखिए इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का निचोड़ बोला क्या है कि एक घोड़ा है जो कि एक गुंटी के साथ, एक गुंटी मतलब के पैक जो पंजाबी जबान में वो किल्ली सी इसको बोलते हैं हम, उसके साथ एक जो है घोड़ा बांधा गया है 9 मीटर की रोप के साथ। ये 9 मीटर की रोप है, यहां पर बंधा हुआ 9 मीटर की रोप है, ये घोड़ा है। अब 9 मीटर की जो रोप है जी, एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल विद पेग एज सेंटर। ये जो पेग है ये सेंटर, ये जो गुंडी है हमारे पास, ये हमारे पास सेंटर है। तो ये जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, वो सर्कल में मूव कर रहा है। देखिए, इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस, जो हॉर्स है वो मूव्स कर रहा है कहां पे, इस सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कहते हैं बाउंड्रीज, सर्कल की बाउंड्रीज, इसमें ही मूव कर पा रहा है ये, ठीक है। जो कीपिंग द रोप टाइट, यानी रोप जो है, जो रस्सी है वो टाइट है, और जो घोड़ा है वो सिर्फ सर्कल में ही मूव कर रहा है, ठीक है। जबकि जो पेग है हमारे पास, ये हमारे पास है सेंटर, तो जारी बात है सेंटर होगा, तो अगर रोप टाइट है और घोड़े के गले पर बांधी गई है तो वो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सर्कल में मूव करेगा, तो घोड़ा अगर सर्कल में मूव कर रहा है और पेग जो है वो, गुंडी जो है वो सेंटर है, तो रोप जारी बात उस सेंटर तक जा रही है, उस सर्कल तक जा रही है, तो उसका रेडियस हो गया, ठीक हो गया। रेडियस हमारे पास है तो वो कह रहा है विल इट हैव गोन व्हेन द रोप हैज
टर्न थ्रू एन एंगल, तो बताएं कि वो लेंथ क्या होगी कि जब हमारी रोप टर्न करती है या कोई भी रोप हमारे पास होती है तो वो अगर टर्न कर रही है 70 पे आके, 70 पे आके टर्न कर रही है, तो आपका वहां से लेकर वहां तक लेंथ क्या होगी ये मालूम करनी है। अगर तो हमारे पास सपोज कर ले उसका जो रेडियस तो 9 मीटर है, जब वो घोड़ा सर्कल में मूव कर रहा है, बात तो सर्कल में मूव कर रहा है, तो जब वो टर्न करेगा 70 डिग्री पे, तो बताना ये है कि उनके दरमियान लेंथ कितनी बनती है, रेडियस तो ये है और एंगल तो बन रहा है 70 का, तो उसके दरमियान जो लेंथ बन रही है बेसिकली वो फाइंड करनी है, क्योंकि घोड़ा मूव तो क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है और बंदा भी वो एक किली के साथ है, एक बूंदी के साथ है, एक जो है वो पैक के साथ बंधा हुआ है, तो हमने ये बताना है कि सर्कल जो रेडियस है वो तो 9 मीटर का है, क्योंकि वो जहां से जो उसका पैग है गुंडी लगी हुई है और वो सीधी रस्सी टाइट उसके गले पे बांधी गई है, तो वो रेडियस, उसका रेडियस हुआ उस सेंटर से सर्कल तक, वो मूव कर रहा है सर्कल में, तो सर्कल में मूव करते हुए जाहिर बात है कि जब वो टर्न करेगा 70 डिग्री पर तो लेंथ मालूम कर रही है, तो डाटा गिवन होगा सोल्यूशन में, सोल्यूशन में डाटा हमें गिवन होगा 70 डिग्री का और रेडियस हमें गिवन होगा 9 मीटर, फाइंड आउट करनी है लेंथ। ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। अब इसमें सिंपल आप कुछ बच्चे इसको लेंथ मालूम, लेंथ जो है वो समझ लेते, लेंथ नहीं है भाई, जो गुंटी से लेकर उसके गले पर जो रस्सी गई है सेंटर, उसने कह भी दिया है कि अगर आप पैक को एज अ सेंटर लेट करें तो जाहरी बात है वो जो रस्सी है, जो रोप है वो उसके गले तक गई है, तो सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। तो अब आपको थीटा को शिफ्ट कर देना है डिग्री से रेडियन में, तो जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, तो यहां पर आएगा 7π/18, तो ये हमारे पास जो है वो थीटा फाइंड हुआ। अब आप लेंथ मालूम करेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर है, तो आपको क्या फाइंड करना है जी, एल फाइंड करना है, तो एल इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा थीटा आर, तो आप वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग करेंगे वैल्यूज की, ठीक है, तो आप एल इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा की जगह पर पुट होगा जी 7π/18 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 9, ठीक हो गया, 9 ones are 9, 9 twos are 18, सो एल इज इक्वल टू 7π की जगह 3.142 डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप कैलकुलेटर से 7 multiplied by 3.142, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 10.99 लेंथ इज इक्वल टू 10.99 मीटर इसकी जो है वो लेंथ होगी हमारे पास, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। बाकी वीडियोस भी आपको जो है वो मिल जाएंगी मेरे प्लेलिस्ट पे, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।